नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सोमवती अमावस्या अर्थात जो अमावस्या सोमवार को आती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या में उपवास करने में, व्रत करने से, भगवान शिव की पूजा करने से उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, हमें पुण्य और अधिक उतना मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, और सोमवती अमावस्या कब लग रही है, कब तक की अमावस्या तिथि है। आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आप आए हो तो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स भी लेकर के आते रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्ष 2021 में, मतलब इस वर्ष यह 12 अप्रैल को जो अमावस्या पड़ने वाली है वही उसे हम सोमवती अमावस्या कहेंगे, क्योंकि यह अमावस्या इस वर्ष में पहली और आखिरी बार ही पड़ने वाली है। मतलब एक ही सोमवती अमावस्या इस साल पड़ने वाली है, जो कि 12 अप्रैल को रहेगी। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है वह शुरू होगी 11 अप्रैल को सुबह 6:03 से। 11 अप्रैल को सुबह 6:03 से यह अमावस्या रहेगी 12 तारीख को सोमवार को सुबह 8 बजे तक के, 8 बजे तक की अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको यह पूजन करना है सोमवार को, मतलब अर्थात 12 तारीख को। 12 तारीख को दोस्तों आपको पूजा कैसा करना है, आपको दोस्तों सुबह जल्दी स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आपको उस दिन व्रत रखना है, मतलब उपवास रखना है। उपवास रख के दोस्तों आपको अपने घर के भगवान की पहले पूजा कर लेनी है। शिव जी के सामने आपको एक घी का दीपक अवश्य जलाना है। शिव जी के साथ में आपको माता पार्वती का विधिवत पूजन करना है। फूल, बेल, पुष्प, अक्षत इत्यादि से भगवान शिव जी की माता पार्वती के साथ पूजन करें, तथा पूजन के अंत में भगवान शिव जी को नैवेद्य का भोग अवश्य लगवाएं, क्योंकि दोस्तों इस दिन सोमवती अमावस्या को भगवान शिव की पूजा करने से उनका आशीर्वाद, उनका मिलने वाला पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजन करने से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या भगवान शिव जी को ही समर्पित है। तो इस दिन आपको भगवान शिव जी का विधिवत पूजन करना है। पूजा के अंत में आपको भगवान शिव जी को नैवेद्य लगवाना है। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव जी की आरती भी करना है। इस प्रकार से दोस्तों आप विधिवत भगवान शिव जी के सोमवती अमावस्या में पूजा करिए, क्योंकि यह अमावस्या इस वर्ष मात्र एक बार ही पड़ने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, तथा आने वाले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।